अस्सलाम वालेकुम। मैंने थोड़े दिन पहले डॉक्टर तहरुल कादरी साहब के ऊपर एक पोस्ट की थी जो मैंने फेसबुक पे देखी थी, बहुत ज्यादा वायरल थी और लोग ने उनका मजाक उड़ाया हुआ था कि वो एक औरत जेवर रख रही है और उसके ऊपर लिखा हुआ था रखो रखो जेवर, अपने मतलब अम्मी के भी जेवर ले आओ और मैं कैनेडा से तुम लोगों के लिए जो है इनकलाब लेकर आऊंगा। तो मैंने भी ना सुनी सुनाई बात आगे बयान कर दी। तो सही मुस्लिम की हदीस है कि किसी शख्स के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि हर सुनी सुनाई बात वो आगे बयान कर दे। कुरान में भी आया कि जब आपके पास कोई फासिक खबर लाए तो उसकी पहले तस्दीक कर लो। तो मैंने तस्दीक किए बगैर किसी जाने मैंने वो पोस्ट अपलोड कर दी और वो बहुत वायरल होना शुरू हो गई। लेकिन फिर एक मेरे भाई जो हैं महताब भाई, उन्होंने मेरी रहनुमाई की क्योंकि किसी की जात के ऊपर तोहमत लगाना जो उस बंदे का मकसद ही नहीं है एक बहुत गुनाह है। तो मैं इससे अलानिया रजू करता हूं। मैंने जाने अनजाने में बस लोगों को देखा दिखाई वो शेयर कर दिया और जब उन्होंने मेरी रहनुमाई की कि ये आगोश हाउस बन रहा था जिसमें जो यतीम मस्कीन पढ़ते हैं और वो ऐसे ही पढ़ रहे हैं कि किसी को पता ही नहीं है कि कौन बंदा यतीम है जिसकी मदद हो रही है और कौन बंदा जो है वो अपने खर्चे पे पढ़ रहा है। मतलब डॉक्टर तहरुल कादरी साहब ने एक यतीमों के लिए अदारा बनाया और उसके कंस्ट्रक्शन स्टार्ट थे तो उसमें जो औरत उनके पास या जो उनके पास खड़ी है वो सारी उनकी फैमिली की है, उनकी भांजी हैं, उनकी फैमिली मेंबर्स हैं। तो मैं इस बात से रजू करता हूँ और महताब भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आगाह किया और मैं जाने अनजाने में एक गुनाह का मर्तकब हुआ। क्योंकि इख्तलाफ राय इल्मी इख्तलाफ राय होता है, किसी की जात के ऊपर इख्तलाफ करना वो इख्तलाफ नहीं होता, वो एक इल्जाम होता है जो, और वो इख्तलाफ करना कि जो उस बंदे ने किया ही नहीं है। इसी तरह एक तस्वीर डॉक्टर तहरुल कादरी साहब की पोस्ट की जाती है लोगों की तरफ से, एक पादरी है वो अपने किसी पॉप के सामने झुका हुआ है तो उसका सर हटा के एडिटिंग करके तहरुल कादरी साहब को लगा दिया गया है। बहुत ही यार गलत बात है, इंतहाई जो है ना गलत बात है, ये आप लोगों के लिए अजाब बन सकती है चीजें। जो बंदे की गलती है वो उसको आप इख्तलाफ करके हाईलाइट कर सकते हैं लेकिन इस तरह खुद से करना ये गुनाह में आ जाता है। और मैं अपने इस गलती से शर्मिंदा और मैं रजू करता हूँ। महताब भाई मैं आपका फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकअल्लाह खैरा।